मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी। ट्रूडो का कहना है कि बहुत मायने खेज और मुश्किल गुफ्तगु के बाद अलहदगी का फैसला किया है। बच्चों की बहबूद की खातिर हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। कनाडा में 2 अरब दरख्त मुकर्रर मुद्दत से पहले लगाए जाएंगे। कनाडा के कुदरती वसाइल के वजीर का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना नहायत ज़रूरी है। जले हुए जंगलात की बहाली पहली तरजीह होगी। कनाडा में जंगलात में लगने वाली तबाहकुन आग ने एक और फायर फाइटर की जान ले ली। एक माह में जंगलात की आग बुझाते हुए 4 फायर फाइटर्स हलाक हुए। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग मौसम खिजा तक फाल रहने का इम्कान। इस्लाम को अजीम मजहब तस्लीम किए जाने के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया है कि कुरान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान रवादारी की बात करता है। अमरीकी मुसलमान मईशत तनु फलाही सरगर्मियों और कई शोबाजात में किरदार अदा करते हैं। साबिक नायब अमरीकी सदर माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अहम गवाह बन गए। माइक पेंस का कहना है कि इलेक्शन नतज उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। आइन से मावरा शख्स को सदर बनने का हक नहीं है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी हो गई। जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगोर ने शादी के 18 साल बाद अलहदगी इख्तियार कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया के दरमियान अलहदगी हो गई। जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगोर ने शादी के 18 साल बाद अलहदगी इख्तियार कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने अलहदगी के कानूनी समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। ताहम अवामी तकरीबात में वो एक साथ नजर आएंगे। बयान के मुताबिक दोनों ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इस फैसले के हवाले से तमाम कानूनी और इखलाकी इकदाम उठाए गए हैं। आइंदा हफ्ते वो बतौर एक खानदान छुट्टियां मनाने जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अहलिया से अलहदगी के बारे में बताया, जिस पर हर कोई हैरान रह गया। पोस्ट में ट्रूडो ने लिखा कि मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि बहुत मायने खेज और मुश्किल गुफ्तगु के बाद सूफी ग्रेगोर में और मैंने एक दूसरे से अलहदगी का फैसला किया है, जबकि सूफी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसा ही पैगाम पोस्ट किया। ट्रूडो ने लिखा कि लेकिन हमेशा की तरह हम गहरी मोहब्बत और एहतराम के साथ एक खानदान की तरह रहेंगे। जिस तरह हमने हर चीज के लिए एक साथ बुनियाद डाली, आगे भी करते रहेंगे। बच्चों की भलाई के लिए हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी राजदारी का एहतराम किया जाए। जस्टिन ट्रूडो और सूफी ग्रेगोर का कहना है कि हम एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत और एहतराम के साथ एक करीबी फैमिली रहेंगे। बच्चों की बहबूद की खातिर हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। साल 2005 में शादी के बंधन में बंधने वाले 51 साल ट्रूडो और 48 साल सूफी के 3 बच्चे 15 साल जेवियर, 14 साल एलेक्रिस और 9 साल हेड्रिन है। कनाडा में राइज कवानीन के मुताबिक ताल्लुकात खत्म करने के बाद जोड़ा अलहदा अलहदा रहता है तो उसे अलहदगी कहा जाता है। बाज़ाब्ता तलाक तब होती है जब अदालत बाकायदा शादी खत्म करने का फैसला दे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक साथ कम ही दिखाई देने वाले इस जोड़े ने मई 2023 में शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी में शिरकत की थी।
और मार्च में अमरीकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी भी इकट्ठे की थी। इससे कबल मई 2022 में सूफी ने इंस्टाग्राम पर शादी की सालगिरह से मुतालिक पोस्ट में जोड़ों की जिंदगियों में दरपेश मुश्किलात से मुतालिक लिखा था। जस्टिन ट्रूडो ने भी 2014 में अपनी सवान उम्र में अज़दवाजी जिंदगी की मुश्किलात से मुतालिक बात करते हुए कहा था कि हमारी शादी परफेक्ट नहीं, हमें नशेब व फराज का सामना करना पड़ा, फिर भी सूफी मेरी बेहतरीन दोस्त, साथी, मोहब्बत बनी रही। हम एक दूसरे के साथ सच बोलते, चाहे वो तकलीफ दे ही क्यों ना हो। सूफी और ट्रूडो ने 2003 में डेटिंग का आगाज किया था। सूफी जहनी सेहत से मुतालिक अपने फलाही कामों के लिए भी जानी जाती हैं। कनाडा के कुदरती वसाइल के वजीर जोनाथन विलिंगसन का कहना है कि कनाडा का 2030 तक 2 अरब दरख लगाने का मंसूबा मुकर्ररा वक्त से पहले है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना नहायत ज़रूरी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के कुदरती वसाइल के वजीर जोनाथन विलिंगसन का कहना है कि कनाडा का 2030 तक 2 अरब दरख लगाने का मंसूबा मुकर्ररा वक्त से पहले है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना नहायत ज़रूरी है। सिरे बीसी में वफाकी हुकूमत के 2 अरब दरख्त लगाने के वादे का तस्करा करते हुए कहा कि मंसूबा ट्रैक पर है और अपने अहदाव से भी ज़्यादा है। हम इस प्रोग्राम का एक अच्छा हिस्सा तेज़ी से जलाए गए जंगलात की बहाली पर मरकूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज, हमने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कार्बन के अखराज को कम करने की ज़रूरत के बारे में काफ़ी बात की है। हम मसले को मज़ीद ख़राब नहीं कर रहे हैं, विलिंगसन ने कहा। हकीकत यह है कि हमें हकीकत में मवाक़त पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करनी होगी। विलिंगसन ने कहा कि ट्रूडो हुकूमत के दरख्त लगाने के वादे के पहले 2 सालों में 110 मिलियन दरख्त लगाए गए हैं, जो इस अरसे के दौरान 90 मिलियन दरख्तों के इब्तदाई अहदाफ से ज्यादा हैं। वजीर ने कहा कि रिकॉर्ड जंगल की आग और तबाहकुन सैलाब के दौर में दरख्त लगाना मौसमियाती तब्दीली से मुतालिका आफात को कम करने में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, बदकिस्मती की हकीकत यह है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात हमारे साथ हैं और इंतहाई मौसमी वाकयात ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें तवक्को करनी चाहिए कि हम आगे बढ़कर ज़्यादा कसरत से रोनुमा होंगे। अगर हम आबो हवा के मसले को ठोस तरीके से हल नहीं करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मुस्तकबिल छोड़ने जा रहे हैं जो नाकाबिले इंतजाम है। विलिंगसन ने कहा कि 2 अरब दरख लगाना एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। विलिंगसन ने कहा, इस बात को यकीनी बनाने के लिए सोची समझी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है कि सही दरख सही जगह पर सही वक्त पर लगाए जाएँ। कनाडा में जंगलात में लगने वाली तबाहकुन आग ने एक और फायर फाइटर की जान ले ली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में जंगलात में लगने वाली तबाहकुन आग ने एक और फायर फाइटर की जान ले ली। खानदान, दोस्त और साथी शुमाल मशरकी ब्रिटिश कोलंबिया में हलाक होने वाले नौजवान फायर फाइटर के शोक मना रहे हैं, जो कि हालिया याद में आग के मोहलिक तरीन मौसमों में से एक में चौथी हलाकत है। 25 साल जैक मोसी के खानदान ने उनके नाम से एक यादगारी फंड जमा करने का आगाज किया है। एक बयान में कहा है कि वो बहुत से लोगों से प्यार करते हैं और खानदान के अफराद इस मुश्किल में राजदारी की दरख्वास्त करते हैं। पुलिस का कहना है कि म्यूज 28 जुलाई को फोर्ट सेंट जॉन के शुमाल में तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक दूर दराज इलाके में उस वक्त मारा गया जब उसका हैवी ड्यूटी ATV एक बजरी वाले सड़क पर गिर गया। म्यूज की मौत जुलाई में कनाडा की फायर लाइन पर चौथी और ब्रिटिश कोलंबिया में दूसरी है। BC वाइल्ड फायर सर्विस हुकाम का कहना है कि फायर फाइटर्स को सूबे और कनाडा भर के लोगों की तरफ से मुसलसल तावुन की जरूरत है, क्योंकि अमला अपने खानदानों को छोड़कर और रोजी रोटी को इस रिकॉर्ड जंगल की आग के मौसम में आग से लड़ने के लिए कम्युनिटी की कोशिशों में मदद के लिए जा रहा है। BC वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि म्यूज सूबे के शुमाल मशरक में बड़े पैमाने पर डोनी क्रैक आग के खिलाफ आग बुझाने की कोशिशों का एक हिस्सा था, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 5,832 मुरबा किलोमीटर अराजी जल चुकी है। ये आग जो कि BC में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड की गई थी, इब्तदाई तौर पर 12 मई को दरियाफ्त हुई थी और तवक्को है कि यह मौसम खिजा तक फाल रहेगी। इस्लाम को अजीम मजहब तस्लीम किए जाने के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लाम को अजीम मजहब तस्लीम किए जाने के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद में लिखा गया है कि अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं। अमरीका में तकरीबन 35 लाख मुसलमान हैं, जिनका मतनू नस्ली और सकाफती पस मंज़र है। अमरीकी मुसलमान मईशत तनु फलाही सरगर्मियों समेत कई शोबाजात में किरदार अदा करते हैं। इस्लाम लाजिम करता है कि हुकूमतों को हमेशा अदल इंसाफ और हमदर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए। करारदाद के मतन में कहा गया है कि लफ्ज़ इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना और अमन है,
इसके अलावा वाज़े किया गया है कि कुरान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान रवादारी की बात करता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक करारदाद रियासत टेक्सास के नुमाइंदे अल ग्रीन की तरफ से पेश की गई है। करारदाद के तायद कुनंदगान में कांग्रेस मेंबरान अलहान उमर, राशिदा तलीब, आंद्रे कार्सन शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस में जमा करवाई गई करारदाद में अमरीका में मुसलमानों की तादाद 35 लाख बताई गई है। ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामी अकीदे को दुनिया के अजीम मजाहिब में से एक तस्लीम किया है। साबिक नायब सदर माइक पेंस, जो कभी ट्रंप के इंतहाई वफादार साथी थे, अब वो उनके खिलाफ 2020 के इलेक्शन को उल्टाने की साजिश के केस में इस्तगासा के अहम गवाह बन गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक साबिक नायब सदर माइक पेंस, जो कभी ट्रंप के इंतहाई वफादार साथी थे, अब वो उनके खिलाफ 2020 के इलेक्शन को उल्टाने की साजिश के केस में इस्तगासा के अहम गवाह बन गए हैं। अमरीका के साबिक नायब सदर माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गवाह बन गए हैं, जिससे साबिक सदर की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। साबिक नायब सदर का कहना था कि इलेक्शन नतीजे उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। याद रहे कि माइक पेंस ने अमरीकी सदारती इलेक्शन नतीजे मुस्तरद करने से इनकार किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन पर भी ट्रंप की तरफ से नतीजे उलटाने में मदद करने के लिए दबाव डाला गया। वाज़ह रहे कि माइक पेंस आइंदा इलेक्शन के लिए खुद भी रिपब्लिकन सदारती नामजदगी की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आइन से मावरा शख्स को सदर बनने का हक नहीं है। इलेक्शन नतीज के रोज से अब तक ट्रंप ने जो कहा झूठ कहा। दूसरी तरफ मिकार्थी ने, जो सदर बाइडन के बेटे हिंटर के कारोबारी मामलों की तहकीकात से तवज्जो हटाने की सियासी कोशिश के तौर पर फर्द जुर्म आयद की हुई है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।